सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मा संबंध ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिर्ण कलेवर नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जणुअछि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूछि। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई भौणी समस्त को मु यथाजोग्य प्रणाम जणुअछि। आज आम मैने श्री कृष्ण कथा श्रवण करवा तेणु श्री कृष्ण कथा होची मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगला नाम भगवान कर कथा मधुर ठार मधुर एवं मंगल ठार मध्य मंगल तेणु श्री वल्लभाचार्य से गोटे अष्टक लिखिंट दार नाम होची मधुराष्टक। से मधुराष्टक रे भगवान कर समस्त जिनिष रहला मधुर तेणु सेठे बहुत सुंदर से अष्टक लिखिंट कहते अधरम मधुरंग बदनंग मधुरंग नयनंग मधुरंग हसितंग मधुरम गमनंग मधुरम चरितंग मधुरंग मधुराधिपते राखिलांग मधुरम। तांकर समस्त जिनिस रहला मीठा तांकर देखिबा मीठा तांकर हसिबा मीठा तांकर चालिमा मीठा तांकर हृदय मीठा सब होउछे मीठा 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 तेणु तांकर उपनिषद रे कहिसंती रस बैस सी हेले रस स्वरूप जेमिति आमे रसगोला कहुछु। रसगोला केतेबेले हुए जेतेले गोलटा रस रे बुड़ेब तबे सेटार रसगोला। कृष्णगढ़ से भली बोले ना सी हेले स्वयं सी रस स्वरूप हेले भगवान कृष्ण एवं तांकर कथा होची मध्य रस स्वरूप होची तांकर कथा। आज तांकर गोटे बाल्य लीला श्रवण करिबा जार जे कथाटा ना होची फल विक्रयणी कथा। मझिरे मझिरे वृंदावन ठारू गोपी माने दही क्षीर बिक्री करिया पाई लहुणी बिक्री करिया पाई श्री मथुरा रे आसंती तेणु से माने हेले गोपी। गोपी अर्थ कौन होची गो अर्थ हेला इंद्रिय पी मान अर्थ पीवा जो माने नित्य निरंतर इंद्रिय द्वारा कृष्ण रस भक्ति को जी पान करुले तेणु ताक ना होची गोपी बा गोप रक्षणे बा पालने जे माने समस्त इंद्रिय देकरी से कृष्ण कर सेवा करुले एवं ताको पालन करुले ताको हृदय रे ताको छुपाई करी ताको रखुले तेणु ताक ना होची गोपी। जेतले से मझेरे मझेरे मथुरा आसुले से समय रे सब समय रे तांकर स्वभाव हेला कृष्ण कथा कहिबा तेणु सब बेले से कृष्ण कर चरित्र सुनुले। आज किभली भाव कृष्ण आम घर को लहुणी चोरी करिया पई आसतिले मु केमि तांको धरिथिली तांको किभली केमिति से स्वप्न रे किभली से कृष्ण आसंती सुंदर सुंदर कृष्ण कर बाल्य चरित्र से सुनुथाते। मथुरा रे जने फल विक्रयणी थिले से मध्य कृष्ण कथा सुनी 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 तांको हृदय रे से कृष्ण बसी जाइछंती तांको मन भीतर इच्छा हुए केबे हेले मु कोन से कृष्ण को दर्शन करि पारिबी। से देखिले पिला माने फल खाया पाई तांको मन रे बहुत इच्छा थाए जदि मु फल नेकरी जीवी नंद बाबांकर घरे बाहर छिड़ा हेकरी फल किए नब फल जदि डाके हेई पारे कृष्ण जदि फल नेबार आशार आसंती तबे तांकर दर्शन हे जीव तेणु से फल नहीं आसिले नंद बाबांकर राजमहल रे आगरे से छिड़ा हेकर जोर जोर रे से कहले फल किए नब फल फल किए नब फल। तांकर डाक सुनिकिरी कृष्णकर सांग माने ता आसिले श्रीदाम वसुदाम मधुमंगल
स्तो कृष्ण अर्जुन सखामाने तो आसिले किंतु से माखन चोर से कृष्ण आउ आसिले से दिन फल विक्रयणी बहुत दुखी होकर मथुरा को फेरी आसिला एवं द्वितीय दिन मध्य से भली फल नहीं गले द्वितीय दिन मध्य से भली नंद बाबा राजमहल आगे छिड़ा होकर से जोर जोर कहले फल किए नब फल किंतु द्वितीय दिन मध्य से कृष्ण आसिले द्वितीय दिन मध्य कृष्ण मानकर सांग मान आसिकरी से फल खाइकरी गले द्वितीय दिन मध्य से दुखी होकर गले जितने से तृतीय दिन आसिले से प्रतिज्ञा नहीं आसिले जदि आज कृष्ण दर्शन न हुए तो मुझे वृंदावन रु आज फेरबी ना तेणु से कृष्ण चिंता करी 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 ता भितर एते तन्मयता को सी प्राप्त करते सी भूली जाइंट फल बिक्री करवा आसिकी कहते गोपाल किए नब गोपाल दामोदर किए नब दामोदर कान्हा किए नब कान्हा से भूली जाइंट फल बिक्री करवा जिते से तन्मता है कृष्ण चिंतार जिते बे डाकी कृष्ण है सर्वअर्जामी से प्रत्येक भक्त हृदय से बसी अच्छा कौ स्थान किए किभरी भाव स्मरण कर सब महाप्रभु जानती से देखिले फल बिक्री आनी दी दिन ठारु आसिकी से फेरिकी जाऊँगी आज मो चिंतार एत तन्मयता को प्राप्त से भूली जा फल बिक्री करवा से आज मो ना को लेकर से डाकुचि तेणु कृष्ण से ही समय अंगणारे धान उपर कृष्ण खेलुले से समय नियम किसी जिनस दे कि जिनस पाइब विनिमय प्रथा थी तेणु कृष्ण ताऊपर कृपा करियापाई से पोषे धान उठेले धान उठे जो से चल आरंभ करे माँ जशोमती चरण से सी नुपुर बांधि देते जिते कृष्ण चलवाक आरंभ करे से नुपुर छम छम आवाज होगाक आरंभ हो अर्थ कौन कौन से नुपुर कह कृष्ण तु कुआर जाऊ किसी दिन आगे पुतना आसी किसी दिन आगे तृणाव्रता आसी किसी दिन आगे शकटासुर आसी माँ जशोमती तुमको मना कर बाहर को जीवापी तु जदि बाहर को जीवना ता माँ जशोमती को आम कहीदे माने नुपुर कह माँ जशोमती को कहीदेबु प्रश्न हो नुपुर केमी कहला बोले वृंदावन रे समस्त वस्तु है चिन्मय कृष्ण शरीर जिते अलंकार अच्छी से अलंकार नुह सी है साक्षात बलदेव प्रभु अलंकार रूप से जगन्नाथ से सेवा करष्ण देख ली ये तो कहीद माँ जशोदा को माँ जशोमती का कान पड़े मत जीवा को देवेनी से ही समय से नुपुरटा को टिके ऊपर को उठे उठे से समय सीटा चिपी हो जा तेणु से आवाजटा बंद होगा जिते बार कृष्ण धान नहीं जीवा को आरंभ करती से समय कृष्ण बयसटा है तीन वर्ष मात्र पिला मानकर हाथ तो अंजलि हुए आंगुल भितर देकर धान गोटे 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 पड़ा कौटी पड़ा बोले महाप्रभु चरण उपर बोले कहीं पड़ा बोले धान हूँ लक्ष्मी तेणु लक्ष्मी मान महाप्रभु कृष्णकर चरण को धरिकी कहते आपण कहीं मत बाहर को घर बाहर कहीं कर घर में गोटे कोण से पड़ अच्छी मत घर नहीं बाहर करी क्या देवाई जाऊँगी तेणु आपण चरण को मुझे आपण मत घर बाहर करें कि कृष्ण धीरे 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 गले हाथर समस्त धान पड़ी आई केवल हाथ में तीन चारिटा केवल धान अच्छे कितु से फल बिक्री आनी तो तन्मय होकर कृष्ण चिंतार कृष्ण किए ने कृष्ण गोपाल किए ने गोपाल कान्हा किए ने कान्हा से तो चित्कार करते शुणी फल बिक्री आनी कृष्ण बहुत सुंदर कितु प्रकृत जिते बिल कृष्ण से बाहर को आसिले जिते रूप को सी दर्शन कर अद्भुत तांकर रूप तेणु आम गोस्वामी माने कहते बोले नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम से कहते महाप्रभुकर के सुंदर बोले
कोटि कमन्य विशेष शोभम नमामि नंद नंदनम। जोटि कोटि कामदेव जहाँ का आगे परास्त है जीवे एते सुंदर हेले कृष्ण केते गोपी माने कृष्ण को ताना मारती नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करण अड़की। अर्थ है गोपी मैंने कहती परमात्मा भल कर आपण को कौन से स्त्री लोक न कहकर तुमको पुरुष लोक तैयार कर स्त्री है था पृथ्वीर जिते क्षत्रिय अच्छा से मैंने निज निज भितर युद्ध करपाई से सब मरी जाई चाहते आपण एत सुंदर अच्छा जितने से फल बिक्री आनी महाप्रभु को दर्शन करे से दर्शन कर मुग्ध हो जाती हाथ में केवल तीन चार धान थी से तीन चार धान तर जे झुड़ी भितर ढाई से फल भितर पल कृष्ण कहले मत फल दि फल बिक्रिया कहते कृष्ण तुमको तो मुल देवी कि तू तो मत प्रथम किसी दिए तेब ते फल देवी। कृष्ण कहले तू तो नुआ कथा कहचु केते बेले भी गोपी मान को घर घर को जाए मत कही कि मागती मत कोल बसईक लहुणी क्षीर मत दही फलमूल सब खुआती हाँ के आदर जत्न करी तुम तो कौ कि दि सी कहले मुझे तुमको समस्त फल देदेवी तू थर मो कोल बस पड़े बसिक मत माँ कहीदे तुम मत समस्त को फल देदेवी। कृष्ण तो महाचिंतार पड़गले कौन करी न करी हाँ यदि आपको कोल उपर बसी जाए गोपी माने यदि देखी दिंती एमती तो मत थटा करती पुणी जदि देखती जार जाति भाति किछि नाही तांको कोलरे मु बसिकरी माँ कहले से तो मत बेसी चिड़ेबे तेणु कृष्ण एपटे सेपटे आगे पचर देखिले कहीं नहांती तो पाखे देखिले कहीं नहांती कहले यदि कोलरे थरे बसिकरी माँ कहीदे कौन खराब है एत फल मिल हाँ तेणु कृष्ण यही चिंता करी संगे संगे कोल बसी पड़े बसिकी कहले माँ फल दिखे उठीगले कोल बसिकी महाप्रभु किए तेणु कहते बरे बरे ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भगवान किए बोले जहाँ का चरण कमल को ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेश जहाँ का चरण को पूजा करती बोले शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे ये माने जहाँ का चरण कमल को सब समय ध्यान करती कुछ यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि। ब्रह्मा कोटि कोटि वर्ष तपस्या करी जहाँ कर चरण कर नखर जे छटा को ज्योति की मध्य दर्शन करी पारती आज से ही कृष्ण से फल बिक्री आहरे बसिकी माँ कहीकि फल मागिले प्रश्न हूँ कहीं कृष्ण बसिले से कौन पूर्व जन्मरे एमती पुण्य करते तेणु रामायण आसुची जो समय राम लक्ष्मण सीता ये बनवास जाते से निषाद राजा सांगे मिले से ही समय समस्त परिवार मध्य आसी निषाद राजा प्रत्येक परिचय दे समय भगवान राम पचारे आपणकर माँ किए बोले सबुठ वृद्ध सी ढाई सी हेले मोर माँ यही कथा कहले से ही समय भगवान राम दौड़ी जाकर चरण स्पर्श करे चरण स्पर्श करे माँ का मन में इच्छा है जदि ये मोर पुत्र ही था जदि केते बेले आंको कोले नियंती मोर जीवन धन्य ही जाता केते सुंदर देखापाई प्रभु कितु प्रभु हेले भाव ग्राही जनार्दन से समस्त भावटा को ग्रहण करती जगन्नाथ प्रभु बोले यही लीलारे नुह यही लीलाटा है मोर मर्यादा पुरुषोत्तम लीला जिते बेले मुझको लीला पुरुषोत्तम होकर जन्म ग्रहण करी कृष्ण होकर गोगोल से ही समय आपणकर इच्छाटा को मु पूर्ण करी तेणु महाप्रभु तांकर इच्छाटा को पूर्ण कर कोलरे बसिले से ही समय फल बिक्री आनी एत संतुष्ट एत प्रसन्न होते समस्त फल देदेले कृष्ण से ही फलटी नहीं आसिले से ही समय माँ जशोमती प्रश्न करले बोले पुह तुमको एत फल कौटे मिलला बोले जन फल बिक्री आनी आसला से फल दे किंतु कृष्ण चिंता करुले मुल बसी बोध कई देखी ना कि गोपी मैंने देखी देते बोले कि देखिले जिते बेले कृष्ण
ଅଞ୍ଜଳିରେ ଧାନ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଧାନ ପଡ଼ି 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 ଯାଇଥିଲା। ଗୋପୀମାନେ ସେହି ପଡ଼ିଥିବା ଧାନଟାକୁ ଦେଖି 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 ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୁଚିକରି ଦେଖିଥିଲେ। କିଭଳି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲେ, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ମା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଫଳ ଦେଲେ, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୋପୀମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିନଥିଲେ? ଏଇ ଧାନ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖି 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 ଗୋପୀମାନେ ମୋତେ ଧରି ପକାଇବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ହେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ସେ ଚିହ୍ନ ରଖିକି ଗଲେ? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ତେଷାମ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାମ ଭଜତାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ ତମ ଜେନ ମାମ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ବୋଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି କେହି ତେଷାମ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାମ ଭଜତାମ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ, ଯଦି କେହି ସତତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଅୟମ ଆତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ନ ଲଭ୍ୟ ନ ମେଧା ନ ବହୁନା ଶ୍ରୁତେନ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମେଧା ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ପୂଜାପାଠ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ? ବୋଲେ ସେଇ ଜାଣେ ଯାରେ ଦେହୁ ଜଣାଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ କୃପା କରି ଜଣାନ୍ତି ସେଇ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଧରା ନ ଦିଏ ସେମାନେ ମୋତେ ଧରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିକରି ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, ବୋଲେ ମା ଯଶୋଦା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛ? ବୋଲେ ନା। ବୋଲେ କେଉଁଠୁ ଜଣେ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର କ'ଣ ଜାତି ଭାତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମା କହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବୋଧେ କେହି ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋପୀମାନେ ଦେଖି ପକାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତ ଭାଇ ଭାଇଗଲେ, ଏମାନେ ତ ଦେଖି ପକାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଡରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯଶୋଦା, ଯଶୋଦା ମାନେ ବୋଲେ ଯଶମ ଦଦାତି ଇତି ଯଶୋଦା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଆଦର ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମା ଯଶୋମତୀ କହିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପୁଅ କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ଖରାପ କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ଭଲ କଥା। କୃଷ୍ଣ କହି ଦେଖିଲେ ମା ମୋ ପାଖରେ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛାତିଟା ଫୁଲିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ମା ଯଶୋମତୀ ସେଇ ଫଳକୁ ଆମୁଣିଆ କରିକିରି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକରି ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ସଖାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳ ଭୋଜନ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫଳ ବିକ୍ରି ଆଣି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଝୁଡ଼ିଟା ବହୁତ ଓଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଲେ ଏତେ ଓଜନ କେମିତି ହେଲା? ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଦେଖିଲେ ପୁରା ରତ୍ନ ହୀରା ମୁକ୍ତା ଦେଇକରି ସେଇ ଝୁଡ଼ିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ମୋତେ ଯଦି କେହି ଫଳ ଖୁଆନ୍ତି ବା ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗାଇକରି ଖୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ବୋଲେ ତୁମର ଝୋଲି, ତୁମର ଘର ମୁଁ ରତ୍ନ ଦେଇକରି ତୁମର ଘରଟା ମୁଁ ଭରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଧନ ରତ୍ନ ନେଇକରି କ'ଣ ଦରକାର? ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଏଇ ମାୟାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଳଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରେ, କାହିଁ ମୋତେ ଇଏ ମାୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ଯେ ରତ୍ନ ଥିଲା, ସେଇ ରତ୍ନ ନେଇକରି ସେ ଯମୁନାରେ ଢାଳିଦେଲେ, ତାପରେ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ବୁଝାଗଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଧାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେ ହେଲେ କଳ୍ପତରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଦେଇକରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଲଲିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋ।